हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तेजू स्वीट फ्लेवर्स। आज मैं आलू भाटा पालक की सब्ज़ी और खास्ता कचौड़ी बनाकर तैयार करूंगी। ये मेरे ससुराल में कभी कोई पूजा या फिर कथा होता है तो ये ज़रूर से बनता है और इसमें कोई प्याज लहसुन डलता नहीं है। एकदम सादी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है और इसका टेस्ट इतना यमी लगता है कि आप लोग अगर एक बार खाएंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं भी पहली बार ससुराल में ये सब्ज़ी खाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू बैंगन को छोटा छोटा काट लेंगे और पालक और सोया सेपू जो होता है वो वाला पत्ते को छोटा छोटा काट लेंगे। और अब हम कढ़ाई में लेंगे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ये सब्ज़ी बहुत ही यमी लगता है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा मेथी का दाना और एक हरी मिर्च। आप मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें कोई भी मसाला नहीं पड़ता है, ना कि हल्दी पड़ता है। एकदम सादी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो इसको हम होने देंगे सौटे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हम जो काट के रखे हैं आलू बैंगन। और आलू बैंगन को हम 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि हाई फ्लेम पे भून लेंगे ताकि बैंगन का जो थोड़ा सा रॉपन है वो चला जाए और हमारा सब्ज़ी में बैंगन का स्मेल बिल्कुल भी ना आए। तो हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए सोया और पालक को ऐड कर देंगे। सोया पालक दोनों को ऐड कर देंगे और हम इसमें ऐड करेंगे नमक। मैं 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप लोग आपका जितना भी मतलब हरा पत्ता होगा उसके हिसाब से आप लीजिएगा, क्योंकि पत्ता बहुत कम हो जाता है तो नमक का स्वाद फिर बढ़ जाएगा। तो हाई फ्लेम पर हम उसको 5 मिनट के लिए सब्ज़ी पका लेंगे। जब तक हमारा सब्ज़ी पक रहा है, चलिए हम कचौड़ी का आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा ली हूँ। 1 टेबल स्पून मंगरेल को मैं यहाँ पे क्रश करके डाल देती हूँ और 1 टेबल स्पून ऑयल। मैं यहाँ पे सॉल्ट स्किप की हुई हूँ, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि खस्ती कचौड़ी में सॉल्ट का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। हम इन सब चीज़ों को मोयन देने के लिए थोड़ा सा हाथ से घिस के मिला लेंगे। ये देखिए, जब हम हाथ में ऐसे आटा प्रेस करेंगे तो ये एकदम से मुट्ठी शेप में बनकर होना चाहिए। तो हमारा इतना ही खस्ता हमें ज़रूरत है खस्ता कचौड़ी के लिए। हम धीरे धीरे पानी डालकर एक सख्त सा आटा लगाकर तैयार करेंगे, जैसे हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं, रोटी के लिए जैसे लगाते हैं वैसे नरम नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा जो कचौड़ी है वो खस्ता नहीं बनेगी और क्रिस्पी नहीं लगेगी। हम 2 मिनट के लिए आटा ढक कर के रख लेंगे और हम सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पालक कितने अच्छे से पक गया है। हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छी तरह से और 1-2 मिनट के लिए हम इसको स्लो आंच पर पका लेंगे और हमारा सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, कितने अच्छे से हमारा सब्ज़ी बन करके तैयार हो गया है। अब चलिए हम कचौड़ी बनाते हैं। तो एक कढ़ाई में हम ले लेंगे ऑयल और ऑयल को हम ज़्यादा गर्म नहीं होने देंगे, एकदम मीडियम गर्म होना चाहिए। छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे और हम कचौड़ी बेलकर तैयार करेंगे। कचौड़ी हमारे ससुराल के साइड में जो बनती है वो थोड़ी सी मोटी ही होती है। आज मैं मीडियम साइज़ का बनाऊंगी क्योंकि मैं बेबी भी खाएगी। तो फिर हम हल्के हाथों से ही कचौड़ी बेलेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे और छोटी छोटी ऐसे हम मीडियम साइज़ के सारे कचौड़ी बेलकर तैयार कर लेंगे। और हम कचौड़ी तलते टाइम 2 चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म ना हो और हम मीडियम आंच पर ही हमारे कचौड़ी को तलकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मैं सारा कचौड़ी डाल ली हूँ और उलट पलट कर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं सेक लूँगी। और गैस का फ्लेम एकदम मीडियम है और तेल भी मेरा ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इसी तरह से हम कचौड़ी तलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, कितने अच्छे से हमारा सब्ज़ी और कचौड़ी बनकर तैयार हो गया है और एकदम क्रिस्पी करारा बना है। आप चाहे तो इसका मतलब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से, ये देखिए क्रिस्पी बना हुआ है, आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं। और चलिए हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे और ये एकदम से यमी लगती है। आप लोग एक बार खाएंगे तो इसका टेस्ट आपको हमेशा याद रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।